इस समय हम खड़े हैं घुंडा चौक मेन रोड पे, और आप हमारे पीछे देखिए ये नूरेलाई का रास्ता है यमुना विहार नूरेलाई जाने के लिए, और साथ ही साथ ये घुंडा चौक गामरी रोड का रास्ता है, और इसके बाद ये देखिए ये घुंडा चौक से ब्रह्मपुरी जाने का रास्ता है, ये भी ब्लॉक है, और साथ ही साथ ये देखिए ये घुंडा चौक से मौजपुर जाने का रास्ता है, जो ये भी ब्लॉक कर रखा है, और ये चारों साइड इसलिए ब्लॉक कर रखी हैं क्योंकि अब ये एरिया एक तरीके से हॉटस्पॉट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे लगातार मरीज मिल रहे हैं, या तो पॉजिटिव या फिर साथ ही साथ उनके टेस्ट हो रहे हैं, और पूरी पूरी फैमिलियाँ इस पे टेस्ट उनके हो रहे हैं, और किसी में 15, किसी में 13, किसी में 45 ऐसे लोग निकल रहे हैं। इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। ये घुंडा चौक का मेन रोड है, ये मेन चौक है, आप देखिए ये चारों साइड ये घुंडा चौक, गामडी रोड, ये नूरेलाई का रोड, ये मौजपुर जाने का रोड, और साथ ही साथ ये रोड आप देखिए मेरे पीछे ये ब्रह्मपुरी का रोड है, और चारों साइड फोर्स और यहाँ पे स्टाफ के लोग, पुलिस के लोग, सुरक्षाकर्मी यहाँ पे हैं, और इस टाइम जहाँ हम खड़े हैं यह वो चौक है घुंडा चौक। ये देखिए इस पे बोर्ड आप देख सकते हैं, ये रहा बोर्ड, इस पे लिखा हुआ है सीधा सीधा नूरेलाई मौजपुर गामड़ी गांव, ये वो बोर्ड हैं, और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये सिक्योरिटी के लोग हैं जो लगातार दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई आए जाए ना, कोई रोड को क्रॉस ना करे, किसी तरह की आवाजाही ना हो, इसका खासकर ध्यान रख रहे हैं। और ये पूरा एरिया चारों साइड से, यानी इस चौक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, ना आप ब्रह्मपुरी जा सकते हैं, ना आप नूरेलाई जा सकते हैं, ना आप गामड़ी गांव के लिए जा सकते हैं, ना ही आप मौजपुर जा सकते हैं। कोई काम है, कोई इमरजेंसी है तो बताएंगे, तो आपको जाने दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपके चहलकदमी के लिए या आपके घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए यह पूरा एरिया सील कर दिया गया है, और लॉकडाउन का पूरी तरीके से यहाँ पे पालन कराया जा रहा है। आने जाने वाले हर लोगों से पूछा जा रहा है आप कौन हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, क्या काम है, और आप हमारे पीछे भी तस्वीर देख रहे हैं, लगातार पूछताछ हो रही है, क्यों क्यों निकले आप, क्या काम है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो आप बाहर आए हैं, किस कारण से आप आए हैं, ऐसी ही चीज़ें लगातार चारों साइड से ब्लॉक करके पूछा जा रहा है, और किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ पूरा लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है, जो कि अब 3 मई तक बढ़ चुका है। न्यूज़ भारत TV घोंडा चौक।